हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम इस वेक्टर का ऐसा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसमें वेक्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाएंगे आपके जेईई मेंस के प्रिपरेशन के लिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि यूनिट वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर। देखिए, यूनिट वेक्टर्स है तो सबको मालूम है कि इसका मैग्नीट्यूड वन होगा। ईच ऑफ द वेक्टर हैज द मैग्नीट्यूड वन एंड दे आर कोप्लेनर। कोप्लेनर दैट मीन्स दिस ए बी सी का जो बॉक्स जिसको हम स्कैलर ट्रिपल ट्रूलर बोलते हैं दैट इज इक्वल टू 0। नंबर 1 पॉइंट ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में अ यूनिट वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू देम। परपेंडिकुलर टू देम मींस वी आर हैविंग ए परपेंडिकुलर टू डी, वी आर हैविंग डी परपेंडिकुलर टू डी, ओके। दैट मींस दिस डी इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी, बिकॉज़ इफ डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी देन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड द वेक्टर बी इटसेल्फ। वी नो दैट एंड बिकॉज़ ऑफ दैट दिस डी इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी, ओके। एंड डी इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी दैट मींस डी इज पैरेलल टू द यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी, दैट इज द सेकंड पॉइंट, ओके। एंड इट इज आल्सो गिवन दैट द ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इक्वल टू दिस मच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज दिस फार्मूला ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, व्हाट इज द फॉर्मूला? ए बी एंड डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनटू सी माइनस ए बी सी का स्केलर प्रोडक्ट इनटू डी। सो यू शुड रिमेंबर टू राइट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, दैट इज द फॉर्मूला, ओके। फाइन, तो हियर ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज ऑलरेडी गिवन 0, तो वो तो हट गया, तो ये बच गया सिंपली ए बी और डी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनटू सी। दिस इज स्केलर क्वांटिटी माइंड इट एंड दिस इज वेक्टर। वी कैन मल्टीप्लाई वेक्टर बाय एनी स्केलर क्वांटिटी। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिस कैन बी रिटन एज ए डॉट बी क्रॉस डी, ओके। फाइन, एंड दिस इज सी। साइन, इट इज आल्सो गिवन दैट द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 30। See, the A and B are unit vectors and the angle between them is 30 degrees. So it is better to have the dot product or the cross product of A and B. So as we are having A and B over here, so by the definition of the scalar triple product, we can interchange the dot and cross over here. So this can be written as A cross B and of course dot B and then vector C. So we have interchanged डॉट एंड क्रॉस। ए क्रॉस बी इज डेफिनेटली ए क्रॉस बी क्या होगा आपको बताइए, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी एंड साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री, दैट इज ए क्रॉस बी इज कमिंग टू बी 1/2, करेक्ट। ए क्रॉस बी इज कमिंग टू बी 1/2। सो एंड ऑफ कोर्स यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। देखिए, ए क्रॉस बी इज मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर है। तो ये क्या हो गया, दिस इज कमिंग टू बी 1/2 एंड क्या डॉट डी एंड देन वेक्टर सी, इजंट इट। अब आप देखिए, एन और डी का डॉट प्रोडक्ट लेना है। एन इज अ यूनिट वेक्टर, डी इज अगेन अ यूनिट वेक्टर एंड एन इज पैरेलल टू डी वेक्टर, बिकॉज दिस एन क्या इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी एंड डी इज परपेंडिकुलर टू ए, डी इज परपेंडिकुलर टू बी। A cross B is already perpendicular to A and B. That means D is parallel to A cross B. That means D and N are parallel to each other. That means the angle between them is 0. So therefore, dot product is given by half into simply cos of 0. Cos of 0 means 1. Magnitude of N cap is 1. Magnitude of D is 1 because unit vector, both are unit vector. And angle between them is 0. So cos 0 is 1. This is finally half of C. Half of C and this already given, what is that? This is given as I minus 2j plus 2k divided by 6 and this has come as half of C and we have to find out the C, then C can be. So half of will get cancelled here. So this is C equal to I minus 2j plus 2k divided by 3. I minus 2j plus 2k divided by 3. So this is a very important question, students, where we have make use of all the basic concepts of the vector algebra.